हेलो फ्रेंड्स, स्टेप टू ऊपर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपनी एंड्रॉइड एमआई टीवी में वाईफाई को या हॉटस्पॉट को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो अपनी एंड्रॉइड टीवी में वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए आपको एक रिमोट की ज़रूरत होगी, तो आप ये रिमोट देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको एक एंड्रॉइड फ़ोन की ज़रूरत होगी। जैसा कि आप यहाँ पर एंड्रॉइड फ़ोन देख सकते हैं, आपके सामने ये एंड्रॉइड फ़ोन है। अपनी एंड्रॉइड टीवी में वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए आप इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप ये देख लीजिए कि रिमोट कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर आपको रिमोट दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये राइट जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट, और इस पर क्लिक करेंगे तो बैक जाएगा। तो अब आपको अपने एंड्रॉइड टीवी में वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए या हॉटस्पॉट को कनेक्ट करने के लिए अपने रिमोट में आपको यहाँ पर एक बटन दिख रहा होगा साइड वाला, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके एंड्रॉइड टीवी की होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपने रिमोट की मदद से सबसे ऊपर सेटिंग्स पर चलना है। अपनी एंड्रॉइड टीवी में हॉटस्पॉट को कनेक्ट करने के लिए पहले तो आप फोन की प्रोसेस देख लीजिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम मोबाइल स्क्रीन पर ट्रांसफर हो चुके हैं। तो मोबाइल ऑन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ऊपर से नीचे स्क्रॉल करिए, शेप करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप मोबाइल हॉटस्पॉट देख सकते हैं, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने से आपका हॉटस्पॉट ऑन हो जाएगा, और आप इस पर टैप करे रहिए, दबाए रहिए। उसके बाद आपके अंदर की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके नेटवर्क का नेम है गैलेक्सी A3, आपका ये नेटवर्क का नेम है। यहाँ पर आप पासवर्ड देख सकते हैं, ये पासवर्ड आपको अपने एंड्रॉयड टीवी में डालना होगा जब आप वहाँ पर वाईफाई ओपन करेंगे। तो चलिए, आपने मोबाइल को हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है, वो बीच वाले बटन से आप कैंसिल करिएगा। तो उसके बाद मैं आपको फ्रेंड्स, मोबाइल की पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप एंड्रॉइड टीवी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको एक रिमोट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सबसे पहले तो आपने ये बटन क्लिक कर दिया था, उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो हुआ था। उसके बाद आप अप बटन पर क्लिक करिए। अप बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आप डिटेल्स पर आ चुके हैं। उसके बाद एक बार और क्लिक करिए, आप नोटिफिकेशंस पर आ चुके हैं। फिर आप इनपुट पर, और एक क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स पर आ चुके हैं। तो आपको सेटिंग्स पर आने के बाद आपको यहाँ पर ओके करना है। यहाँ पर आप नेटवर्क एंड इंटरनेट ऑप्शन सबसे ऊपर देख सकते हैं, तो आपको इस पर ओके करना है, बीच वाला बटन दबाना है। ओके क्लिक करिएगा, और आप देख सकते हैं आपकी वाईफाई ओपन हो चुकी है। जो आपने अपना फ़ोन का हॉटस्पॉट खोला हुआ था वो आपको शो हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। वहाँ पर आपको गैलेक्सी A3 शो हो रहा था, तो यहाँ पर आपको भी गैलेक्सी A3 शो हो रहा है। तो आप एक बार नीचे आइएगा, और जो आपका कनेक्शन हो उस पर क्लिक करिएगा, ओके करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। अगर आपने उसी फ़ोन से आपने पहले कनेक्ट किया है, अगर पहले कनेक्ट नहीं किया है तो आपको इस टाइप का इंटरफेस शो नहीं होगा। तो आप यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करिए। कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद ये कुछ देर लोड लेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट शो करेगा। फ्रेंड्स, प्रोसेस लेने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप प्लीज़ ट्राई अगेन ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करिए। अगर आपने अपने फ़ोन का पासवर्ड चेंज कर दिया है तो आपको दोबारा पासवर्ड डालना होगा। अगर आपने अपने फ़ोन का पासवर्ड नहीं डालना है और आपने उस फ़ोन से पहले ही कनेक्ट कर रखा है, तो वो आपका ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा उस प्रोसेस के बाद। तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिल करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपना पासवर्ड फिल कर दिया है। तो उसके बाद आप इस ऑप्शन पर आइएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आके आप ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद ये कुछ देर लोड लेगा, और आपके सामने कनेक्टेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। आप नीचे आइएगा, और आपको अपना वाईफाई कनेक्ट दिखेगा, इसीलिए आपके ये सभी ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर आप यूट्यूब ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप यूट्यूब भी चला सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा यूट्यूब ओपन हो चुका है, यहाँ से आप यूट्यूब भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी सिंपल सी प्रोसेस जिसके द्वारा आप अपनी एंड्रॉयड टीवी को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।